हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है जिन के बारे में आप सोच रहे हैं, वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं या करेंट पार्टनर हैं, वो इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, ओके व्यूअर्स, और सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है ये रीडिंग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इसे देख रहे हैं यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, ओके। चलिए देखते हैं, ओके। सो हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड, और ये डेथ का कार्ड आया है सबसे पहले, एम्प्रेस का कार्ड आया है दूसरा कार्ड, और तीसरा कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्या बात है व्यूअर्स, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपके लिए कैसा सोच रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। वेल वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एक कार्ड और चाहिए, वी हैव एस ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है और डेथ कार्ड भी है। इसमें से कोई भी एज सच कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, डेथ कार्ड भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये भी कुछ और दर्शा रहा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये पर्सन जो है आपके लिए सीरियस बहुत है। एम्प्रेस का कार्ड आना, क्वीन का कार्ड आना, एस ऑफ वैंड का कार्ड आना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान सच में आपके लिए बहुत सीरियस है। इनके जो इंटेंशंस हैं आपके लिए वो भी बहुत प्योर जेन्युइन हैं, ट्रू इंटेंशंस हैं, कोई गलत भाव या कोई गलत इंटेंशन नहीं है आपके लिए। और इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जैसे भी इनके इमोशंस और फीलिंग्स हैं, वो भी बहुत जेन्युइन और बहुत प्योर हैं आपके लिए। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ओके। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी लाइफ में ये इंसान एक अपर पोजीशन में या एक हाईएस्ट पोजीशन में रखता है या रखती है। यानी कि ये जब अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं या अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को जब ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में और खुद में फ़र्क देख रहे हैं या तुलना कर रहे हैं आपकी और अपनी, तो इनको लग रहा है आप कई ज़्यादा हायर पोजीशन पे हो। अब चाहे वो करियर में हायर पोजीशन है, सोसाइटी में हायर पोजीशन है, ओके, कोई स्किल ऐसी है जिसमें हायर हैं आप ज़्यादा, ये लुक्स में ऐसा हो सकता है, लुक्स में, ब्यूटी में आप ज़्यादा हायर पोजीशन पे हैं या ज़्यादा अटेंशन आपको मिलता है, ज़्यादा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट आपकी है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आप एक हायर पोजीशन पे हैं। तो इनकी नज़रों में तो आप एक हायर पोजीशन पे हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये डिफरेंस है आप लोगों के बीच, जिसकी वजह से वो आप जितने स्मार्ट या आप जितने परफेक्ट, ऑफकोर्स परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आप जिस लेवल पे हैं ये उस लेवल पर नहीं है। अब वो लेवल किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी एरिया में और किसी भी फील्ड में हो सकता है, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान जितना भी आपके लिए प्यार महसूस करें या अट्रैक्शन महसूस करें, सबसे ज़रूरी बात यह है करेंटली भी, करेंट जो बातें मैंने बोली वो करेंट ही, करेंट सिचुएशन के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं, कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स, मैंने कहा कि इस वक्त वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि जब वो आपकी और अपनी तुलना कर रहे हैं तो आपको एक हायर पोजिशन पर देख रहे हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा आपके लिए इस वक्त उनके इंटेंशंस और उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है, और साथ ही साथ उनकी जो अप्रोच है आपके लिए वो बहुत सीरियस अप्रोच है।
आई गई बात नहीं है उनके लिए, उनके लिए ये एक पासिंग क्लाउड नहीं है या जस्ट अ फेज नहीं है, उनके लिए सीरियस है ये, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, स्पेशल है ये। तो साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इस वक्त व्यूअर्स वो आपको बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि चाहे ये इंसान आपकी तरफ कितने भी अट्रैक्टेड है या कितने भी इमोशनली अटैच हैं, सबसे ज़रूरी बात है इन सबसे ऊपर कि ये इंसान आपके लिए सम्मान बहुत महसूस करते हैं। ओके, अबव ऑल ऑफ इट ऐसा लगता है कि इनके दिल में आपके लिए, इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये इस हायर पोजिशन पे आपको देख रहे हैं, इस लेवल पर आपको देख रहे हैं, ये आपके लिए इस तरह से सीरियस हैं कि ये इंसान आपको मन से, अपने दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। कभी भी आपके लिए मन में भी या अकेले में भी कुछ गलत बातें या अपशब्द या डिसरिस्पेक्टिंग कुछ सोचते नहीं हैं ऐसा लगता है। तो ये होता है ना कि हम किसी के पीठ पीछे तो बहुत कुछ गलत गलत बोल देते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए, लेकिन मुंह पे उनके आगे ऐसा नहीं करते, लेकिन ये पीठ पीछे भी कुछ इनके मन में इतनी खटास या इतनी कड़वाहट नहीं है कि ये अकेले में भी बोलकर उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, ऐसा है नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है करेंटली व्यूअर्स ये इस बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको क्या ऐसा सॉलिड ऑफर दें, वो क्या ऐसा आपको ऑफर करें जो बहुत रिलायबल हो, जो बहुत सॉलिड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सीरियस नज़र आए। तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई कमिटमेंट हो, कोई वादा या कोई प्रपोजल ऐसा हो, या शादी की या एंगेजमेंट की बात हो, कुछ तो ऐसा आपको ऑफर करना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा सीरियस है और कितने ज़्यादा इनका जो डिसीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ये आपको एक कमिटमेंट या एक सीरियसनेस ऑफर कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको ऐसा क्या मेजर क्या ऑफर दें, ऐसा क्या सॉलिड ऑफर दें जिससे आप भी सरप्राइज हो जाओ और इम्प्रेस हो जाओ। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ये कोई ऑफर भी ऐसा हो सकता है कि शादी का ऑफर है, प्यार का कन्फेशन है, कोई प्रॉमिस है, कोई कमिटमेंट है, तो ऐसा कुछ ही आपको ऑफर कर सकते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा करेंटली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, दोनों के ही बीच में है, दोनों तरफ से ही है। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। या सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन दिस सिचुएशन जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ एम्प्रेस भी है, क्वीन भी है, तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ऑलरेडी आप इनके लिए इनकी क्वीन हो या इनके किंग हो, यानी इनके दिल की रानी हो आप। ओके, इनके दिल की रानी हो आप ऑलरेडी, या इनके दिल के राजा हो आप, यानी कि जो भी आपकी पार्टनर है उनके दिल के राजा हो आप। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो भाव आपके लिए पहले ही है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है करेंटली व्यूअर्स वो आपके लिए सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें आपके साथ अपना जीवन, अपनी लाइफ बहुत स्टेबल नज़र आती है। जैसे हर कोई लाइफ में एक समय के बाद सेटल होना चाहता है, एक स्टेबल ज़िंदगी चाहता है, एक नॉर्मल स्टेबल स्मूद सेटल्ड लाइफ चाहता है कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा सोच रहे हैं करेंटली कि आपके साथ वो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ये एक स्टेबल स्मूद और एक पीसफुल रिश्ता चाहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स या बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल सिचुएशन ना हो, जो थोड़ा सिंपल हो, थोड़ा स्मूद हो, थोड़ा स्टेबल हो और पीसफुल हो। इस टाइप का कनेक्शन वो आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं या इस टाइप का रिश्ता वो आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स उन्होंने सोचा है कि फ्यूचर में उन्हें अगर स्टेबल होना है, सेटल होना है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा या उनके मन का हो जाएगा अगर वो आपके साथ स्टेबल हो जाए। तो अगर आपके साथ उन्हें वो स्टेबिलिटी मिले तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होगा, उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर की खुशियों के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ साबित होंगे,
या आप एकदम परफेक्ट मैच हैं उनके और उनके उनके बच्चों के माता या पिता बनने के लिए बिल्कुल आइडियल हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो आपको इसी रूप में देख रहे हैं कि आप ही वो होंगे जो उनके बच्चों के पिता बनेंगे या उनके बच्चों की माँ बनेंगी। तो आपको एक वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल के रूप में तो ये इंसान देख ही रहे हैं, लेकिन एक फैमिली पर्सन के रूप में भी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो परिवार को नर्चर करता है, यूनिटी में विश्वास रखता है, सबको समेट के एक साथ रखता है, सबको प्यार देता है, सबकी केयर करता है, सबके लिए यू नो कहीं ना कहीं बहुत केयरिंग है, अफेक्शनेट है। तो आपके अंदर उनको वो नर्चरिंग क्वालिटीज लगती हैं कि आप नर्चर कर सकते हो एक फैमिली को, एक बच्चे को, एक परिवार को, ओके, एक रिलेशनशिप को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके परफेक्ट मैच हैं। और अगर आप कोई फीमेल हैं तो उनको लगता है आप कोई एक जैसे डिवाइन लेडी हैं कि जिसके पर्सनालिटी में इतना ग्रेस है, इतना कॉन्फिडेंस है, आँखों में इतना तेज है, ओके, और चेहरे पर इतनी मासूमियत है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी उनको ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों में बहुत तेज है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है व्यूवर्स बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे नज़रें हटाना बहुत मुश्किल है, जिसको भूल जाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर ही अपना ट्रू पार्टनर, आपके अंदर ही अपने फ्यूचर की खुशियां नज़र आ रही हैं, और इस वक्त वो आपको उसी रूप में, उसी फॉर्म में देख रहे हैं, यानी उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अभी इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन में कुछ समाप्त हुआ है और कुछ नया शुरू करना होगा या कुछ नया शुरू होने वाला है। ऐसा लगता है व्यूअर्स इस सिचुएशन में आप लोगों के बीच कुछ एंड हुआ रिसेंटली, ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के बीच कुछ समाप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड, और डेथ का कार्ड कुछ और नहीं तो इतना तो बता रहा है यहाँ पे कि कुछ एंड हुआ है। लेकिन ये जो एंडिंग है ये कंप्लीट एंडिंग नहीं है, इस एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग है। तो कुछ एंड हुआ है यानी आप दोनों के बीच कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, कोई मतभेद, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आई है, आपके रिश्ते में डिफरेंसेस हुए हैं, डिस्टेंस आया है, कहीं ना कहीं किसी तरह का गैप हो गया है, जैसे कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल गैप है, इस तरह का गैप हो गया है। तो आप लोगों के बीच डिफरेंसेस काफ़ी आए हैं और ऐसा लगता है कि सब समाप्त हुआ है या कुछ आप लोगों के बीच खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कुछ अगर खत्म हुआ है तो वो एक नई शुरुआत फिर से करेंगे, उनको एक न्यू चांस फिर से दिया जाए, उन्हें एक नया मौका फिर से दिया जाए, और वो फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। यानी कि वो अपनी उसी लाइफ की न्यू बिगिनिंग, अपनी उसी लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग वो आप ही के साथ करना चाहते हैं। फिर चाहे ऐसा दिख रहा हो कि सब खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है आप लोगों के बीच, फिर भी उनको रीस्टार्ट या न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही करनी है। यस, तो ऐसा लगता है कि चेंज आ रहा है सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव में भी चेंज आ रहा है। अगर अब तक ये सब कुछ एंड हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया मानते थे, तो अभी होपफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर एक चीज़ ख़त्म हुई है तो उन्हें न्यू बिगिनिंग भी आप ही के साथ करनी है। अगर एक फेज़ या एक चैप्टर एंड हुआ है तो उन्हें नया चैप्टर भी आप ही के साथ शुरू करना है। तो ऐसा लगता है चेंज यहाँ पर आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप दोनों की ही लाइफ में, आप दोनों की ही लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का फेज़ है, जिसके बाद परिस्थिति बदलेगी और एक नई शुरुआत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन यही होप कर रहे हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो आप लोगों के साथ साथ। या देखिए व्यूअर्स, मैंने पहले ही कहा था कि ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पे कि फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन काफ़ी रेलेवेंट है यहाँ पे। तो हो सकता है आपका या उनका साइन फायर है, एयर है या अर्थ है, ओके। वैसे ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, जब बात आपकी आती है तो एक बच्चे जैसे हो जाते हैं, और अभी भी जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो एक्साइटमेंट के साथ, इमेजिनेशन के साथ, कहीं ना कहीं बहुत सारे डे ड्रीमिंग के साथ, या बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा
फैंटसीज क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना या बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, तो जैसे बच्चों के अंदर किसी बात को लेके बहुत एक्साइटमेंट भर जाता है, बहुत जोश आ जाता है, बहुत खुशी आ जाती है, अचानक से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं, तो ऐसा लगता है ये जब बात आपकी आती है तो ये भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, इनका मन, इनका व्यवहार, इनके भाव सब बच्चों जैसे हो जाते हैं। और करेंटली ऐसा ही लग रहा है कि वो आपके बारे में इतना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सोच रहे हैं कि इनके बिहेवियर और इनका भाव भी बच्चों जैसा भोला या बहुत जॉयफुल हो गया है, जैसे बच्चे बहुत जॉयफुल होते हैं, प्लेफुल होते हैं, उस तरह का इनका व्यवहार हो जाता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये सिचुएशन में चेंज तो आ रहा है। चलिए आइए गाइडेंस लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस है। रोमांस, यस, सिचुएशन चेंज होगी और आप लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है फिर से। इस सिचुएशन में रोमांस फिर से आ रहा है, ओके तो रोमांस की शुरुआत होने वाली है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर रीडिंग ने थोड़ा भी हेल्प किया है या रिलेट करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।